जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और ये है हमारी ब्रांड न्यू दुनिया और हमारा ब्रांड स्पैंकिंग न्यू गैरेज। भाई तेरे को अंदर जाके काम करना था? Nope. भाई तेरी जॉब है किचन के अंदर गेस्टों के लिए चाय बनानी, कुछ भी नहीं करते तुम लोग यार। अभी चुन्नू कहाँ चला गया यार? चुन्नू को मैंने बोल कर रखा था कि भाई 3 दिन से ये वाली गाड़ी रिपेयर, अच्छी आई थिंक ये दूसरी वाली गाड़ी है, तो आई थिंक चुन्नू तू अभी तक कहीं पे फंसा हुआ है। अभी 3 दिन बंदे एक गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं। मोस्टली काम मेरे को यहाँ पर खुद करने पड़ते हैं क्योंकि ये इन लोगों से एक काम भी नहीं होता। और ये रही वो गाड़ी गाइस जो मेरे को अभी जाकर डिलीवर करनी है, इससे पहले कि कस्टमर की कंप्लेंट आ जाए मैं ये गाड़ी सबसे पहले डिलीवर करके आता हूँ। और कस्टमर ने मेरे को बोल के रखा था कि ये वाली गाड़ी हमें रेड कलर में चाहिए और इस पागल मैकेनिक ने गाड़ी रेड की भी नहीं। पूरा पेट्रोल सारा भर दो, गाड़ी को कर दो यहाँ से रेड। वैसे आधी टैंकी अभी तक बची हुई है, एक काम करते हैं वापस यहाँ पे रखते हैं, बाद में कोई ना कोई आके ले जाएगा। भाई दे दे भाई, क्या दे रहा है? अच्छा ओके, तो एड्रेस और चाबी लेने के लिए तेरे को 32 डायमंड चाहिए। सारे मेरे को लूट रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हमारा चेस्ट तो एकदम भरा हुआ है ब्रो। हां पे यार इलाका तो यही है, पता नहीं कौन सा घर है चौधरी साहब का। यार मेरे को एक बार फिर से एड्रेस देखना पड़ेगा, और एड्रेस मेरे को बोल रहा है हाउस नंबर 45। नाइस नाइस नाइस, हाउस नंबर 45 तो यही पर होना चाहिए यार। माइनक्राफ्ट स्ट्रीट तो एकदम यही है, कौन से वाला घर है? अरे ये रहा, मैं अभी इस गली में से बाहर निकल के आया, तो एक काम करते हैं गाइस, गाड़ी यहीं पर पार्क कर देते हैं। ओए सर जी भी आ गए, हेलो। ओ हाँ हेलो सर जी, कैसे हो? हाँ मैं अपनी बंदूक छुपा लेता हूँ, अगर उसने बंदूक देख ली तो भाई लेके देने पड़ जाएंगे। हालांकि मेरे पास लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी गाइस गलत मसले में नहीं पड़ना चाहता। हाँ हेलो भाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर जी, आप सुनाओ? कैसे चल रहा है आजकल? मेरा बिजनेस एकदम जबरदस्त लगता है। आपको लगता है आपने जॉब छोड़ दी पुलिस की? नहीं, की जगह स्कूटर पे आ गए, मेरी बैकअप गाड़ी है भाई। सर जी काम कर लो, मेरे पास पार्ट टाइम बंदा चाहिए मेरे को, झाड़ू नहीं चाहिए। सॉरी सर जी, हाँ देखिए अब मुझे भी डिलीवरी देनी है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय सर, बाय बाय बाय। ठीक है आप जाओ। यार ये तो बड़ा भड़का हुआ ऑफिसर है यार, जब भी देखो बंदूक निकाल लेता है। अरे कौन सा घर है यार? आई थिंक 45 नंबर यही लग रहा है। और आयरन डोर, हाँ उसने मेरे को बताया था कि बाहर हाथ, ये कैसा डोर है? मैंने डोर खोला, डोर ही हाथ में आ गया यार। हेलो, अरे कोई ना कोई तो होगा घर के अंदर यार, ये कैसा घर है? पूरा घर ही सामने क्लिक कर। ओ भाई 50 मैं तेरे ऊपर क्यों फेंक रहा हूँ? हाँ ये मेरे डायमंड है। हाँ क्या बात है गाइस, बिजनेस हमारा एकदम जोर शोर से चल रहा है एकदम। कहाँ देख, गाड़ी चढ़ जाएगी सड़क के बीच में, खड़े नहीं होते। तो लीजिए गाइस एक बोली फिर से एक और हैप्पी कस्टमर। क्या बात है, ये डायमंड भी रखो यहाँ पर। और गाइस मैंने बहुत पैसा कमा लिया इस गैरेज के जरिए, मैंने बहुत पैसा कमाया और उस पैसे से गाइस मैंने ये बड़े वाला गैरेज लेकर रखा है। और गाइस हमारा एकदम लग्जूरियस गैरेज, और बारिश हो चुकी है, अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा एकदम बढ़िया ऑटोमेटिक, कितनी तेज भागा यार ये बंदा। तो सबसे पहले आता है हमारा ये मेन ऑटोमेटिक डोर। क्या थोड़ी प्रॉब्लम मैं ठीक करता हूँ इसको। उसके बाद आती है हमारी सबसे पहली कार जो कि है 200 डायमंड्स की, ये है लैम्बोर्गिनी। एक और मर्सिडीज वहाँ पे खड़ी है और एक पोर्शे यहाँ पे खड़ी है। और गाइस यही नहीं है ब्रो, ये तो सिर्फ हमारा पहला फ्लोर है ब्रो, एकदम लग्जूरियस गैरेज है, इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर भी गाइस एक ब्रांड न्यू पोर्शे खड़ी है, और ये है हमारा छोटा सा ऑफिस जहाँ पर बैठ के हम बड़ी बड़ी डील्स मारेंगे। और ये रही गाइस हमारे गैरेज की पार्किंग। ए भिखारी लोगों को यहाँ पर आना लाउड नहीं है, ये मेरा गैरेज है, निकल भाई। और ये रही गाइस हमारा मेन एंट्रेंस, अभी गैरेज बंद हो चुका तो मैं सारे दरवाजे बंद कर लेता हूँ। और कुछ ही दिनों के अंदर गाइस हम बोट हेलीकॉप्टर सारी लग्जूरियस चीजें बेचना यहाँ पर शुरू कर देंगे। और भाई साहब आई एम गोना बी सुपर रिच। सर जी चलते हैं जहाँ आप जाइए, मैं रात को मिलता हूँ ना, आपको मिलेंगे ठीक है यहीं पे। अपने छोटी मोटी गाड़ियां रिपेयर करूंगा, मैं पुलिस और माफिया के चक्कर में यहाँ पे फंस चुका हूँ यार। चलो छोड़ो इस बात को यार, आज मेरे पास बहुत सारे काम है, तो सबसे पहले मैं अपने काम वगैरह फिनिश करता हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये क्या लिखा है? डिस्ट्रॉयड बुगाटी और आई विल शो यू वीडियो थ्रू द पुलिस। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं भून के रख दूंगा तुम लोगों को। अरे क्या बात है, फ्रेंडली है, नाइस।
चल बे चाय लेके आ। अभी थोड़ी बहुत सावधानी से मेरे को अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? लेजर तो कुछ ज्यादा। अरे वो रही बुगाटी। अगर मैं यहाँ से अंदर जाऊंगा तो मेरी चटनी बन जाएगी। मुझे लगता है कैमरा 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 यहाँ पर लगा हुआ है, तो मुझे ऊपर से कहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर हैंग हो रहा है, यहाँ पर तो सीढ़ियां लगी हुई। अरे कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पर सीढ़ियों के पास। ओके मुझे वेट करना। ओए मेरे को देखना ले। ओके तो जैसे ही गया गया भागो। अगर मैं इसको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये ढक्कन खुल जाएगा और मैं यहाँ से नीचे जा सकता हूँ। बंदूक मेरी एकदम लोडेड है। स्केली नहीं नहीं स्केली। बच गया भाई। और ये पता नहीं कौन सी जगह है। आई थिंक ये उनका सीक्रेट बेस होगा। फ्रिज भी रखा हुआ है क्या? फ्रिज खाना पीना कुछ है नहीं यार। और ये रही वो बुगाटी जो मेरे को डिस्ट्रॉय करनी है। क्या बात है, अगर मैं इसको गैरेज के अंदर जाके बेच सकूं तो मेरे को सही दाम मिलेगा। लेकिन दाम को छोड़ते हैं, मुझे इस माफिया वाले भाई को खुश करना है। ओके लेट्स गो। और ये बेस्ट तरीका यही है कि सामने एकदम फुल स्पीड में जाते हैं और यही गाड़ी सीधा समंदर के अंदर गिरा देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि यहाँ पर पानी के अंदर बुगाटी है। एंड ये रही Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. वो बुगाटी सीधा पानी के अंदर। और अभी गाइस 3 बजने वाले हैं, मेरे को फटाफट से घर जाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले ने बता कर रखा था कि 3 बजे हम आकर इस लोकेशन पर। आई, 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 आई,